एचएम 1840 कलिसिया सीएआई नागपुर के नए रीति से नूतनीकृत भवन का पुनः समर्पण ठीक 93 वर्ष 3 महीने और 3 दिनों के पश्चात हो रहा है, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान रेव अमीन कलवले द्वारा दी गई है। नागपुर डायसीज के बिशप राइट रेव एंड बी राठौर के हाथों कलिसिया भवन का उद्घाटन होगा। संजय सिंह MD UCN ITA रेव, डॉक्टर आसीर महासचिव NCCI तथा NDTA के उच्च अधिकारी ट्रस्टी, NDC के कार्यकारी सदस्य, संस्था के प्रमुख पासवानों, सचिवगण, खंजाचीगण, धर्मप्रांत के दायरे में के सभी कलिसियाओं के पासवानीय समिति के सदस्यगण, AHM 1840 कलिसिया के सभी सदस्यगण, सभासद और सभी अभियंताओं, वास्तुकारों व कर्मचारीगण इस दौरान उपस्थित रहेंगे। नागपुर भवन से लगी हुई इमारत AHM 1840 कलिसिया की मूल इमारत का समर्पण 2 मार्च 1929 को हुआ था। यह कलिसिया का निर्माण डॉक्टर एगेंस हेंडरसन की स्मृति में किया गया। AHM 1840 कलिसिया CNI नागपुर के नए रीति से नूतनीकृत भवन का पुनः समर्पण ठीक 93 वर्ष 3 महीने और 3 दिनों के पश्चात हो रहा है, ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। ये जो चर्च का जो डेडिकेशन जो सर्विस है, रीडेडिकेशन सर्विस, ये 5 जून को शाम को 5:30 बजे होने जा रहा है। ये नागपुर शहर का पहला जो प्रेस्बिटेरियन चर्च बनाया गया और इसको करीबन 182 साल जो है अभी पूरे हो चुके हैं। और अभी क्योंकि जैसा बताया, हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया था इसके पहले कि ये चर्च की जो हालत बहुत ख़राब हुई, क्योंकि 93 ईयर्स जो है हुए थे उस बिल्डिंग को जब 1929 में बनाया गया, तो दीमक और उसके कारण बहुत सारे खराबी होने के कारण अभी उसको न्यूली फिर से जो है उसको रिनोवेट उसको किया गया है। प्रमुख अतिथि हमारे डायसिस के जो हमारे मुख्य जो धर्म सेवक है, हमारे बिशप साहब, उनका नाम है राइट रेवरेंड एंड्रू राठौड़, वो हमारे चीफ गेस्ट वो रहेंगे और उनके हाथों के द्वारा हमारे इस चर्च को रीडेडिकेट किया जाएगा। कलिसिया भवन की छत सीमेंट के पत्रों से बनी थी। ये एस्बेस्टोस शीट इतनी पुरानी हो गई थी कि इसमें दरारें पड़ गई थी और चूना भी गलने लगा था। इनकी दरवाजे और खिड़कियां की चौखटें क्षतिग्रस्त हो गई थी। संपूर्ण कलिसिया भवन जो कि 93 वर्ष पुराना था, इसका नूतनीकरण का निर्णय लिया गया। नवीनीकरण कार्य हेतु एक अलग समिति भी बनाई गई है, ऐसी जानकारी रेव अमीन कलवले द्वारा आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, Nagpur.